मुजफ्फरपुर का चेयरमैन कहते हैं नॉर्मलाइजेशन का तरीका हमको नहीं पता, उसमें कैसे चेयरमैन बनते, उनको खुद नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आप सिलेबस निकाले, मैट्रिक का सिलेबस ग्रुप बी में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, मनाएंगे खुद वो नहीं बना पाएंगे। वावे छात्र के बीच में बैठ के पता तो चला छात्र का दर्द क्या होता है, कैसे पढ़ता है, क्या करता है, जो है बैठे बैठे कलम चला देना सबके लिए आसान है। नहीं हम जा सकते, ऐसे भी कोई जरूरत नहीं, इस तरीके से डॉग से पैस जिले से कोई फायदा नहीं, मरेंगे जेल में, कोई फायदा नहीं है जिले से, क्या फायदा। आज बताइए कि एस लैब्स हो या आरपीएफ का, एस लैब्स हो या जानते ना सर 25 ईयर्स है आरपीएफ का, एग्रेसिव कैसे नहीं हो सर, एग्रेसिव कैसे नहीं हो, 2 साल कोरोना खा गया घर में बैठे बैठे, लेकिन क्या करें बताइए ना किसी, आप लोगों नहीं सर, आप लोगों आपके भी बच्चे, आपके भी बच्चे दे रहे होंगे एग्जाम, आपके भी चिकन आप ही एग्जाम चाह रहे हैं क्या, क्या ये सही जो है, देखिए आज एक नहीं आपको हम बिल्कुल सर हेल्प कर रहे हैं, आप बोला रहे हैं अभी, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि सर हमारे जब हम लोग बड़ा बड़ा कर रहे हैं, फिर जब कोई नहीं सुना, हम लोग जो है ना बजाते बजाते जो है इसको जो है नहीं कैरियर हम लोग का कैसे नहीं बर्बाद हुआ, 2 साल कोरोना या कोई वैकेंसी नहीं, आरपीएफ का एज 25 होता है, हम लोग का एज खत्म हो गया, लैप्स हो गया, एमटीएस का एग्जाम सर इस बार देने का 2 मिनट नहीं पिछले दिया जो है, क्या लीक कर दे सर, हम लोग खुद के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं गवर्नमेंट, हम लोग क्या लीक कर दे, नहीं हम लोग अब क्या लीक कर दे,